के पीडी पीडीए का खेल निराला तो ये जो आपके जो पीडीए की राजनीति थी दिल्ली में काफ़ी उसका मजाक भी उड़ाया था पीडीए क्या होता है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ एफेक्शन पर लगता लगता है कि जनता ने पी आपको दे दिया वापस क्योंकि ये जो चुनाव जो आप जीते हैं फर्स्ट आई वांट तो टू कंग्रेचुलेट यू सबसे ज़्यादा नंबर समाजवादी पार्टी कभी का वो आप लाए हैं थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है और उसकी रणनीति के बारे में आप बताइए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूँ और चुनाव के बाद इधर हाउस चल रहा है बहुत सी बातें हाउस में हो रही हैं और पी को लेकर के ख़ासकर पॉलिटिकल पार्टीज बहुत चिंतित हो जाती हैं कल ही एक फैसला मैंने लिया और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मैंने जब राय ली तो उन्होंने कहा कि माता प्रसाद पांडे जी सबसे बेहतर होंगे जो लीडर ऑफ अपोजिशन बने बने उसके बाद सभी की राय को मानते हुए समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर माता प्रसाद पांडे जी को लीडर ऑफ अपोजिशन की जिम्मेदारी सदन में दी है उसके बाद तो सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर किसी दल को हुई है तो वो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इशारे से नहीं काम करती है समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो गलत फैसले हैं गलत नीतियाँ हैं उसके कारण ही पी बनाना पड़ा अगर उन्होंने जो बात पहले कही कि हम गरीब और जो गांव में रहते हैं उनकी तकलीफ़ और परेशानी के लिए हम काम करते हैं अगर उन्होंने काम किया होता तो बीजेपी इतनी बुरी उत्तर प्रदेश में नहीं हारती न केवल बीजेपी हारी है हालांकि प्रधानमंत्री जीते हैं लेकिन अगर हम वोटों की गिनती में देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी भी हारे हैं जीत जरूर गए हैं लेकिन वोट से हारे हैं पी डी में आजादी के बाद जिन लोगों को हक और सम्मान नहीं मिला उनके हक और सम्मान की लड़ाई है उनके सम्मान की बात है और आज जब हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी और तमाम ऐसे दल हैं जो कभी जातिगत जनता के खिलाफ थे वो आज कास्ट सेंसस पे बात कर रहे हैं तो कास्ट सेंसस की अगर बात हो रही है तो कहीं ना कहीं पीडीए को ही सम्मान और हक मिलने जा रहा है इसमें पिछड़े दलित आदिवासी की आबादी है इसमें पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आबादी मुस्लिम भाइयों की है इसी में पिछड़े दलित और अगड़े जो हमारे पिछड़े उनकी आवाज है तो इसमें सबको जोड़ने का प्रयास हुआ है इसीलिए जनता ने स्वीकार किया और परिणाम उत्तर प्रदेश का इसीलिए सबसे बेहतरीन आया और भारतीय जनता पार्टी जहां वो डबल इंजन की बात कर रहे थे वो सबसे बुरी हार अगर भारतीय जनता पार्टी की कहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई और उत्तर प्रदेश की जनता ने किया नहीं वाकई सच है अगर बीजेपी को रोका गया तो यूपी में रोका गया इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है तो अखिलेश यादव थॉट लीडर ऑफ अपोजिशन है क्योंकि जो आपकी सोच थी वही ऑपोजिशन में काम आई और उप, जैसे कि आपने कहा जाति जनगणना की बात कांग्रेस बिल्कुल नहीं करती थी लेकिन इसके बाद कांग्रेस भी आपके बात बोल रही है जो आपके सोच हैं आपने इनफैक्ट आई वुड से डिट अखिलेश यादव रन द इलेक्शन बिकॉज पहले राहुल गांधी यूपी से लड़ना नहीं चाहते थे आपने उनको लड़ा तो थोड़ा सा बैक रूम स्ट्रैटेजी जो आपने करी थी टू ड्राइव द ऑपोजिशन उसके बारे में बताइए नहीं हमारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी बहुत क्लियरिटी थी हमारे काम में कि हमें इसी मुद्दे पर जनता के बीच में जाना है जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है वो बताना है और उसका परिणाम ये हुआ कि जब कांग्रेस पार्टी साथ आई तो एक नेशनल नेरेटिव में हम लोग मिलकर के जो लड़े और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों पार्टियों के लीडर्स में इस बार तालमेल दिखाई दिया हालांकि दूसरी पार्टी के पास संगठन उतना मजबूत नहीं था इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूँ कि जिसने मेहनत कर कर के जो भी पार्टी का फैसला था उसको स्वीकार किया लेकिन थोड़ा सा आजने का इस बारी कांग्रेस के साथ अच्छा काम हुआ मतलब पहली बारी नहीं हुआ था इस बारी थोड़ा सा अलग सोच हुई कैसे हुआ आप दोनों का मिलन इधर समाजवादी पार्टी बहुत सारे अन्य दलों के साथ काम कर चुकी है तो उस अनुभव का लाभ इस गठबंधन में मिला हम लोगों को कहते तो हैं ऑपोजिशन का लीडर कांग्रेस है लेकिन जहां ममता बनर्जी का कुछ होता है रैली तो अखिलेश यादव को नहीं होता आता है जगन रेड्डी कोई प्रोटेस्ट करता है तो अखिलेश यादव जाते हैं तो हु इज द ग्लू इन द ऑपोजिशन देखिए ममता बनर्जी जी के साथ हमारा गठबंधन था चुनाव में भी बहुत सारे लोग चर्चा ये करते थे कि आपका गठबंधन कैसा है कि एक तरफ आप कांग्रेस पार्टी के साथ हैं वहीं आप टीएमसी के साथ भी चल रहे हैं उस समय भी समाजवादियों ने और हम लोगों ने कहा कि हमारे संबंध जो हैं एक तरफ जहां पार्टी के संबंध एक दल के साथ हैं वो हम निभा रहे हैं और जो नया गठबंधन बनाया हम उसके साथ भी हैं यही समाजवादियों का तरीका है काम करने का और उसका असर दिखाई दिया है कि कहीं भी किसी के बीच में विरोध नहीं हुआ और जहाँ तक जगन की पार्टी के साथ है ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि सरकार आती और जाती है जिस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो रुकने चाहिए थे हमारे तमाम नेता और साथी जब विपक्ष में थे उन बातों को कहते थे लेकिन सत्ता में आने के बाद हम लोगों की कोशिश हुई कि कोई भी प्रोजेक्ट रोका नहीं और जिस तरह से अन्याय उस समय उस दल ने किया था हमारी पार्टी के किसी कार्यकर्ता नेता और सरकार की तरफ से कोई अन्याय नहीं हुआ इसीलिए हम लोग गए जिस समय दूसरे दल के साथ अन्याय हो रहा था उस समय भी लोकसभा समाजवादी पार्टी के उस दल के साथ खड़ी थी उस समय उस दल के साथ खड़े थे और जब ये सूचना मिली और उन दल के लोगों ने कहा कि बड़े पैमाने पर उनके कार्यकर्ताओं को मारा गया है पार्टी की ये के कार्यालय से लेकर के तमाम नेताओं के घरों पर बुलडोजर चला है कार्यालय बुलडोजर चला है तो अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं इसलिए जहां कहीं भी अन्याय होगा किसी लीडर के साथ समाजवादी पार्टी उसका साथ देगी अभी अखिलेश तो कैसे होगा डिविजन विद कांग्रेस कितनी सीट देंगे उसमें क्या सोचना है बीजेपी हारेगी और बाई इलेक्शन की वजह से ही सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि सत्ता परिवर्तन होना था अभी भी विधायक संतुष्ट नहीं है बीजेपी के बहुत सारे पार्टी के बड़े लीडर संतुष्ट नहीं है ये बस समय से थोड़ा समय वो कहते हैं ना टाइम निकाल रहे हैं बस जेल में भी टाइम निकालते हैं लोग नहीं वो अलग बात है लेकिन बस वक्त गुजार रहे हैं वो लोग और इसीलिए मैंने लोकसभा में कहा लखनऊ की सरकार हालांकि उनकी बहुमत की सरकार है लेकिन दिल्ली की सरकार चलने वाली नहीं है एक ना एक दिन गिरने वाली सरकार बनेगी आप देखिएगा गिरी की सरकार तो आपने लखनऊ के लिए तो एक मानसून ऑफर दे दिया दिल्ली के लिए कोई विंटर ऑफर है नहीं लखनऊ के लिए ऑफर दे सकता हूं मैं हमारे पास संख्या इतनी है कि अगर कोई आना चाहे और सरकार बना करके खुद कुछ बनना चाहे तो उसके लिए ऑफर खुला है अभी मानसून ऑफर है और उसके बाद विंटर डिस्काउंट चलेगा जब तक गिरा नहीं लेंगे तब तक हमारा डिस्काउंट चलेगा तो ये सरकार फुल टर्म लास्ट नहीं करेगी आप कह रहे हैं? देखिए अब सरकार के चलने का क्या है कोई काम तो हुआ नहीं हालांकि मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि प्रदेशों को पैकेज मिला हो लेकिन अगर यूपी को पैकेज नहीं मिल रहा है तो बड़ा दुर्भाग्य है और आप देखिए अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुआ कि जहां पर एक अधिकारी में एक के सर पे मार दिया उसने बताओ मतलब क्यूटो में अगर ऐसा हो रहा हो और क्यूटो वालों ने देखा जरूर होगा मुझे उम्मीद है कि उन्होंने कार्रवाई भी की होगी उसके बाद आप सोचिए अधिकारी कितना फ्रस्ट्रेट है कि वो सामने वाले के सर मार दिया उसने तो आप सोचिए क्या हालत है सरकार तो अधिकारी फ्रस्ट्रेटेड है मिनिस्टर्स के हाथ में कुछ नहीं बचा मिनिस्टर से आरोप लगा रहे हैं कि दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनके विधायक कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा दीजिए नहीं बीजेपी भी के कुछ नेता हमें मार डालेंगे सोचिए ये हालत यूपी में और एक ने बहुत खास रहे मुख्यमंत्री जी के उन्होंने कहा कि अपने पॉलिटिकल कैरियर में इतना करप्शन कभी नहीं देखा जितना इस बात देखने को मिला है और अभी हाल में एक थाना पकड़ा गया सोचिए थाने की कमाई क्या थी पंद्रह लाख रुपए प्रतिदिन कोई भी अच्छा व्यापार कर ले आप शायद इतनी कमाई नहीं होगी लेकिन थाने के उत्तर प्रदेश में वो कमाई थी और मैं नहीं कह रहा हूं ये बात एक आईपीएस और उस इलाके के वरिष्ठ अधिकारियों ने पकड़ा और पूरा थाना सस्पेंड हो गया सोचिए हालत है जो लोग कहते थे हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे अब तो नाम भी नहीं ले रहे स्मार्ट सिटी का तो आर्मी क्यों बैठे हैं और फिर दो सरकारें उनकी हैं आखिर बजट कहा जा रहा है अगर यूपी को बजट मिल रहा है तो बजट जा रहा है मुझे लगता है है आपको आपको दिल्ली में मजा आ रहा है। क्या आपको अब अखिलेश यादव की राजनीति अब दिल्ली सेंट्रिक हो गई है मैं बहुत दिनों से दिल्ली में हूं बस बीच में यूपी में चला गया था मेरी शुरुआत ही दिल्ली से हुई सबसे पहले 2000 में मैं लोकसभा में आया था और क्योंकि यूपी बड़ा स्टेट है और यूपी की पॉलिटिक्स अलग है इधर यूपी की पॉलिटिक्स थोड़ी तेजी पकड़ी थी अभी कुछ दिन बाद आप देखेंगे यूपी ही की पॉलिटिक्स चलेगी दिल्ली दिल्ली लखनऊ या सेफआई इन तीनों में से सबसे फेवरेट कौन सा है आपका अब तो एक्सप्रेस वे है तीनों जगह आरामी है <laughs> और ये देन समाजवादियों की है जो तीनों एक्सप्रेसवे मतलब तीनों शहरों को अच्छी तरह जोड़ दिया और सच्चाई तो यह है कि जो डिजाइन और जो स्पेसिफिकेशंस या जो टेक्निकल चीजें समाजवादियों ने अपने एक्सप्रेस में बनाई बाद में एनएच ने वो फॉलो किया आप देखते होंगे पहले एनएचआई में सब टोल पचास किलोमीटर पर हुआ करते थे यह पहली उत्तर प्रदेश की डिजाइन थी एक्सप्रेस वे की जिसमें सब टोल नीचे हो गए और उसके बाद आप देखेंगे नई डिजाइन में जो एक्सप्रेस वे एन बना रहा है वो सबके सब टोल नीचे लेके जा रहा है तो कम से कम उत्तर प्रदेश ने देश के बड़े बड़े विभागों को दिशा दिखाई और याद कीजिए वो समय जब प्रधानमंत्री जी सड़क पर उतरे थे वो हरकुलिस का विमान इसीलिए उतर पाया था क्योंकि समाजवादियों ने वो एक्सप्रेसवे बनाया था और उस डिजाइन का पार्ट ये था कि इमरजेंसी में अगर कोई एयरक्राफ्ट उतरना चाहेगा एयरफोर्स का तो वो भी यूज कर सकेगा और बीजेपी ने कोई दूसरा एक्सप्रेसवे नहीं बनाया जहां पर ऐसा हवाई जहाज उतर जाए वो केवल समाजवादियों की देन थी चलिए आपने बीजेपी को भी ऑन ग्राउंड कर दिया पर एक्चुअली काफ़ी लोगों को पता मालूम है या नहीं पर अखिलेश यादव इज आल्सो एन एनवायरमेंटल इंजीनियर और एक्सप्रेसवे में उन्होंने काफ़ी डिजाइन में दिलचस्पी दिखाई थी ही वाज एक्चुअली ऑन द ड्राइंग ड्राॅइंग बोर्ड ऑन द एक्सप्रेस हर आई थिंक हर टर्न और हर मोड के बारे में आपको मालूम है एक्सप्रेस के बारे में वो इसलिए आसान हुआ क्योंकि जिस अलाइनमेंट से वो सड़क जा रही थी वो हमारे क्षेत्र रहे हैं उसकी वजह से भी और क्योंकि कम समय में बनाना था शायद देश ने 21 महीने में 323 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे कभी नहीं बनाया होगा जो उत्तर प्रदेश के समाजवादी सरकार ने बनाया सिक्स लेन एक्सपेंडेबल टू एट लेन पर आपने मुझे याद है 2017 के चुनाव में आपने बोला था कि हमने बात करी थी एक्सप्रेसवे की मेट्रो की और जो आपने डेवलपमेंट काम किए हैं दूसरी तरफ से बात हुई थी शमशान घाट कब्रिस्तान की तो उसके बाद आप कह रहे थे कि इलेक्शन जीतने के लिए कोई इमोशनल क्वेश्चन भी चाहिए तो इस बारी इमोशनल क्वेश्चन क्या होगा दो में देखिए ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी कई बार ऐसे मुद्दे लेकर के आती थी जनता के बीच में जिससे उन उनके इमोशन का फायदा उठाते थे हालांकि उन्होंने बहुत प्रचार किया कि उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया लेकिन इस बार उनका डेवलपमेंट नहीं चला और खासकर कुछ क्षेत्रों को तो वो बहुत डेवलपमेंट से जोड़ते थे लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोग जीत गए तो जो काम भारतीय जनता पार्टी करती थी अब उनको हराना हम लोग सीख गए हैं तो 2027 में क्या